पास नखरे वाली कुटारी लाल गुलाबी मोरनीश गुलाबी साड़ी आणि दिसते मी भाकर साड़ी आणि लाली मजा आया। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ट्रेंडिंग रील्स वीडियो एडिटिंग। प्रीव्यू में जो आपने रील्स वीडियो देखा है, आप लोग इस तरीके का रील्स इंस्टाग्राम में तो बहुत देखा होगा, लेकिन इस तरीके का जो कलर ग्रेडिंग वाला रील्स है कैसे क्रिएट करते हैं आप लोगों को पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, और इस वीडियो में कोई भी आपको टेम्पलेट XML या प्रीसेट नहीं मिलेगा, आपको वीडियो को देख कर ही आपको कलर ग्रेडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा आपको दिखाऊँगा आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल रहा हूँ, ये जो हम लोग क्रिएट करेंगे जो कलर ग्रेडिंग होगा हम लोग क्रिएट करेंगे कैपकट ऐप पर, कैपकट का जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर अभी जो चल रहा है वो। अगर आपके पास कैपकट का लेटेस्ट वर्जन नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, टेलीग्राम चैनल पर पिन क्या हुआ है मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कैपकट ऐप ले सकते हो, ठीक है। तो कैपकट ऐप को यूज़ करने के लिए एक VPN का ज़रूरत पड़ता है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सबसे पहले VPN को इंस्टॉल करो, VPN को कनेक्ट करो, उसके बाद कैपकट का जो ये वर्जन है जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिन किया हुआ मिल जाएगा उसको इंस्टॉल करो। VPN कनेक्ट करने के बाद कैपकट ऐप को ओपन करो, ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। आपका जो भी वीडियो होगा उस वीडियो को आपको यहाँ पे सिंपल से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं पे मेरा जो वीडियो इसको यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसका ऑडियो मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा वीडियो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। आप लोग अपना वीडियो जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है, कुछ जिस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, नीचे आपको यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, फिल्टर्स पर क्लिक करना है। फिल्टर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा फिल्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग फिल्टर यूज़ करेंगे उसका नाम मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ताकि आप लोग भी ईजिली यहाँ पे ढूंढ सको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक फिल्टर ढूंढना है जिसका नाम है कहा गया, हाँ, ग्रे ऑरेंज, ठीक है, ग्रे ऑरेंज आपको यहाँ पे ढूंढना है। आपको यहाँ पे कहीं भी मिल सकता है, पहले भी मिलेगा, एंड में मिलेगा, बीच में मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है, जिसका नाम है ग्रे ऑरेंज। इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और पूरा 100 कर देना है, राइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एडजस्ट दिखाई देगा नीचे, वीडियो को सिलेक्ट करके एडजस्ट पर क्लिक करना। एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे को जो लेटेस्ट वर्जन वहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्रिलियंस, आपको एक्सपोजर दिखाई देगा नहीं तो ब्रिलियंस दिखाई देगा, ठीक है, ब्रिलियंस नहीं तो एक्सपोजर दिखाई देगा। तो यहाँ पे मेरा ब्रिलियंस है, आपको अगर ब्रिलियंस दिखाई दे रहा है तो ब्रिलियंस पर क्लिक करना, अगर आपको एक्सपोजर दिखाई दे रहा है तो एक्सपोजर पर क्लिक करना। और इसका जो ड्यूरेशन है, इसका ड्यूरेशन बोल रहा है, इसका जो आपको ओपेसिटी इसको पूरा -50 कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट स्वाइप करना है, आपको मिलेगा HSL पर क्लिक करना है। सबसे पहले रेड पर क्लिक करना है और इसका जो ह्यू है इसको पूरा 100 कर देना है, सेचुरेशन को भी 100 कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो लाइट है इसको जैसे वैसे रहने देना है, अगर आप लोग को थोड़ा अगर कम करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, -50 कर सकते हो, उससे ज़्यादा कम मत करना, ठीक। उसके बाद जो आपको यहाँ पे जो ऑरेंज डिस्प्ले क्लिक करना है, इसका ह्यू 100 करना है और इसका जो सेचुरेशन है इसको भी 100 करना है, ठीक है। और इसका लाइटनेस आपको यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है, लाइटनेस आपको -100 कर देना है। उसके बाद जो येलो है, येलो पे जाना है, येलो को आपके यहाँ पे सेचुरेशन इसको आपको इंक्रीज करना है, आपको 50 कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे करना है, आपका जो वीडियो, अगर आपको वीडियो पे पिंक कलर है तो आपको सिंपल से पिंक कलर पे जाना है और इसका सेचुरेशन इंक्रीज कर देना है, 50 कर देना है, और ह्यू को भी 50 कर देना है अगर आपका वीडियो में पिंक कलर है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसे सिंपल से बैक कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पे राइट स्वाइप करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा विग्नेट, ठीक है। विग्नेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है आपके वीडियो के लिए, तो विग्नेट को सिलेक्ट करना है और विग्नेट को आपको यहाँ पे 25 कर देना है। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है, देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो पूरा अच्छे से कलर ग्रेडिंग हो चुका है, एकदम जो इंस्टाग्राम रील्स पे जैसा कलर होता है सेम टू सेम कलर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आपको ऊपर यहाँ पे वीडियो सेव करने जब जाओगे ऊपर आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगा, सेटिंग पे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे 2K या 4K पे नहीं करना है, ठीक है, 2K या 4K के क्या बोल रहा हूँ, 2K या 4K पे करोगे ना तो आपका वीडियो जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगा, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको 1080p में करना है और आपका जो फ्रेम रेट है उसको 50 या 30 रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे जो कोड रेट होगा यानी कि बिट रेट होगा उसका आपके यहाँ पे मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। उसके बाद आपका जो वीडियो है उसको सेव कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से वीडियो को आपके यहाँ पे सेव कर लेना है भाई, 1080p में हो जाए, हाँ। उसके बाद वीडियो को सेव कर लेना है, उसके बाद
क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर कमेंट, डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरीके का और भी कलर ग्रेडिंग देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये कलर ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा वायरल है इंस्टाग्राम पे, तुम्हारा जो रील्स होगा ना उसमें भी ये कलर ग्रेडिंग ऐड करो और अपलोड करो यार, वायरल होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी चलता हूँ और एक ट्यूटोरियल के साथ फिर से आऊँगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टाटा बाय बाय।